वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ TWC की फ्रेग्रेंस के बारे में। TWC की फुल फॉर्म है द विमेन कंपनी। तो गाइस ये फ्रेग्रेंस के बारे में हम फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड साथ में करने वाले हैं इसकी फ्रेग्रेंस का टेस्ट। तो आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आती है, अगर आज की वीडियो आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प करती है, तो प्लीज़ यार वीडियो को एंड में ही सही पर लाइक देके जरूर जाए, क्योंकि आप लोग लाइक देना भूल जाते हो। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों को कुछ इस तरीके का कार्डबोर्ड का बॉक्स रिसीव होता है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। आप लोगों को बॉक्स के मिल जाता है TWC की ब्रांडिंग द विमेन कंपनी। इस बॉक्स का नेम है गाइस वाइप प्राइस। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 वेरिएंट मिलते हैं, 20 ml ईच की क्वांटिटी है। आप लोगों को फुल बॉक्स की क्वांटिटी 80 ml मिलती है। तो अगर हम बात करें इसकी प्राइस की गाइस, तो इसका प्राइस है 996 पर आप लोगों को ये डिस्काउंट में ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें तो गाइस ये आप लोगों को 3 years की सेल्फ लाइफ मिलती है। तो वाइप ट्राइब प्रीमियम फ्रेग्रेंस गिफ्ट सेट है। इसमें आप लोगों को 4 वेरिएंट मिलते हैं, बाउसी, क्लासी, सेसी एंड जस्की। तो गाइस आज इसी टॉपिक पे इसी वेरिएंट के बारे में हम पूरा डीपली इसकी फ्रेग्रेंस को जानेंगे एंड ये भी देखने वाले हैं कि गाइस ये फुल बॉक्स वर्थ इट है या नहीं है। आप लोग बॉक्स को ओपन करते हैं, वाटा बॉटल, वाटा पैकेजिंग, बहुत ही लग्जीरियस फ्रेग्रेंस। इसकी जो बॉटल है वो आप लोगों को ग्लास बॉटल्स मिलती हैं, थोड़ी सी रिस्की रहता है ग्लास जो बॉटल होती हैं, पर लुक वाइज ये 10 out of 10 है गाइस। ब्यूटीफुल ऑसम बॉटल्स हैं। तो इसकी पैकेजिंग में तो इसको 100 out of 100 मार्क्स मिलते हैं। अब फ्रेग्रेंस इसकी कैसी है वो तो अभी हम जब स्मेल करेंगे तो देखने को पता ही चल जाएगा। इस तरीके की आप लोगों को ये बॉटल्स मिलती हैं गाइस, वॉट ऑफ पैकेजिंग। पकड़ते हुए भी डर लग रहा है कि कहीं बॉटल छूट ना जाए हाथ से। बहुत प्यारी सी इसकी पैकेजिंग है गाइस। ये 4 जो आप लोगों की बॉटल्स हैं इसके वेरियंट आप लोगों को मिलते हैं, बाउसी, क्लासी, सेसी एंड जस्टी। ये बहुत ब्यूटीफुल से 4 वेरिएंट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो 1 by 1 हम आज इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ TWC के बाउसी वेरिएंट के बारे में। ये आप लोगों को इस तरीके की ऑरेंजेस ट्रांसपेरेंट बॉटल मिलती है। तो वो ट्रांसपेरेंट में एक फ़ायदा होता है कि आपका कितना प्रोडक्ट बचा है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों को इस तरीके की बॉटल्स मिलेगी, देख लीजिए बहुत ब्यूटीफुल है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं इसको गाइस कैप में ही टेस्ट करूँगी। तो चलिए फटाफट से इसके नोट्स बता दूं आप लोगों को। बाउसी वेरिएंट में आप लोगों को नोट्स में मैंडरिन, गार्डेनिया एंड सैंडलवुड ऐड किया गया है। तो यहाँ पे जो इसका नोट्स है तो मैंने आप लोगों को नोट्स की इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब मैं इसकी एक्चुअल फ्रेग्रेंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो गाइस इसमें से एक सैंडलवुड फ्रेग्रेंस आती है, एक वुडी फ्रेग्रेंस है और एक वुडी, एक सैंडलवुड फ्रेग्रेंस एज इट इज आती है। 80% ये सैंडलवुड फ्रेग्रेंस आप लोगों को फील होगी और 20% में से एक वुडी फ्रेग्रेंस फील होगी। कि मैं टाइमिंग बताऊं तो ये 5 up to 5-6 hours चल जाता है बॉडी पे। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है और इसके TWC के, तो ये 5 to 6 hours चल जाएगा। और बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि आपके बॉडी पे कितने टाइम तक कौन सी फ्रेग्रेंस रहती है। अगर आप लोगों को सैंडलवुड कुछ वुडी फ्रेग्रेंस पसंद है तो आप लोग इस वेरियंट को परचेज कर सकते हैं। हमारा TWC का क्लासी, ये एक आप लोगों को लेवेंडर, एक पर्पल कलर की ट्रांसपेरेंट बॉटल मिल जाएगी देखने को। तो चलिए इसको टेस्ट करें। तो इसके नोट एप्पल, फ्रेशिया और अम्बर ऐड किया गया है। तो हो गए कुछ इसके नोट्स, पर मुझे जो इसकी फ्रेग्रेंस फील हो रही है, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस में से एक एप्पल, एक स्वीट फ्रेग्रेंस फील होती है। जब भी मैं इसको स्प्रे करती हूँ मुझे इसमें से एक एप्पल साइडर वाली फ्रेग्रेंस आती है, एक एप्पल जूस वाली फ्रेग्रेंस आती है, जो कि बहुत से लोगों को पसंद भी आ सकती है और बहुत से लोगों को कम पसंद आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगेगा इसको स्मेल करने के बाद कि आप लोग एक एप्पल जूस को स्मेल कर रहे हो। तो अगर इसकी टाइमिंग बताऊँ तो ये 4 to 5 hours चल जाती है आराम से। और आप लोग इसे अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत बिल्ड हो जाती है। तो अगर आप लोगों को कुछ एप्पल फ्रेग्रेंस पसंद है तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। येलो कलर की बॉटल और इसका नेम है TWC की सेसी और वाटा कॉम्बिनेशन का। बहुत प्रिटी कॉम्बिनेशन है। एक तो ये ग्लास बॉडी है, एक तो ये इतनी सुंदर है, ऊपर से कॉम्बिनेशन बहुत प्यारे प्यारे। चलो टेस्ट करते हैं।
तो गाइस इसके जो नोट्स हैं उसमें आप लोगों को मिल जाएगा रेसबेरी वेनिला, ये तो हो गया इसके कुछ नोट्स। तो गाइस वन वर्ड बोलूंगी मैं इस फ्रेग्रेंस के लिए कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। तो इसकी फ्रेग्रेंस है गाइस फ्रूटी फ्रेग्रेंस। तो इसकी फ्रेग्रेंस में आप लोगों को फ्रूटी फ्रेग्रेंस फील होती है, जैसे कि एक फ्रूट वाली फ्रेग्रेंस होती है। बहुत सारे फ्रूट्स हैं और उनका एक जूस है, कुछ उस तरीके की इसकी फ्रेग्रेंस है। और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, 6-7 आवर्स चल जाएगी। और अच्छे से आप इसको अपने हाई नोट्स पे जो होते हैं ना वहाँ पे अगर इसको अप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों को बहुत टाइम तक स्टे करने वाली है। अगर आप लोगों को कुछ फ्रूटी फ्रेग्रेंस पसंद है तो ऑफकोर्स आप इसे ट्राई कर सकते हैं। हमारा लास्ट बचता है ये ग्रीन कलर की बॉटल और इसका नेम है TWC का हमारा गट्टी। ये इस तरीके की आप लोगों को ग्लास बॉडी मिलेगी। तो चलो टेस्ट करते हैं। तो गाइस इसके नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा अफ्रीकन ऑरेंज, लेमन एंड गाइस मिल जाएगा मस्क। तो ये तो है इसके कुछ नोट्स। तो गाइस इसकी फ्रेग्रेंस मुझे इस सभी बॉटल्स में एक यूनिक फ्रेग्रेंस लगी है। जितने भी ये कॉम्बो में आप लोगों को वेरिएंट मिले हैं तो इसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी यूनिक लगी है। तो इसकी फ्रेग्रेंस मुझे फील होती है एक लेमन, एक सिट्रसी, एक ऑरेंजेस फ्रेग्रेंस, जो कि टोटली सिट्रसी फ्रेग्रेंस को यू नो रिलेट करेगी। अगर आप लोग सिट्रसी फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि सिट्रसी फ्रेग्रेंस एक रिच फ्रेग्रेंस होती है, काफ़ी अच्छी लगती है और अप्लाई करने के बाद आप लोगों को इरिटेट नहीं करेगी, ना ही वो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस की तरफ होती है, एक रिच फ्रेग्रेंस होती है। तो गाइस टोटली ये फ्रेग्रेंस एक सिट्रसी और एक, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इसकी फ्रेग्रेंस में से एक लीव फ्रेग्रेंस भी आती है। जैसे कि आप लोग किसी गार्डन में है और आप लोगों के अराउंड एक रिफ्रेशिंग, एक लीव जो एक प्लांट्स होते हैं ना उनमें से जो फ्रेग्रेंस आती है, तो इसकी फ्रेग्रेंस मुझे कुछ उसके तरह भी रिलेट करती है। तो ये फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद है मुझे और इसको मुझे अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने इसको सबसे ज़्यादा अप्लाई किया है अपने चारों वेरिएंट में से। तो मैं टाइमिंग बताऊं तो गाइस ये कि माइल्ड फ्रेग्रेंस है, 5-6 आवर्स चल जाती है। एंड गाइस मैं फिर से बोलूंगी कि फ्रेग्रेंसेस जितनी भी होती हैं वो बॉडी टू बॉडी भी वेरी करती हैं। यहाँ पे हो चुका है चारों ही वेरिएंट का फ्रेग्रेंस का टेस्ट। तो कैसा लगा आज का रिव्यू यार प्लीज़ बताइएगा। और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट करते हो, मुझे रीड करके बहुत अच्छा लगता है। और अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हो। तो प्लीज़ यार इतनी मेहनत करी है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। आप लोग लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हो, वीडियो देखते हो और स्किप करके डायरेक्टली चले जाते हो। तो गाइस आज की वीडियो में मैं इन फ्रेग्रेंस को कोई भी रेटिंग नहीं देने वाली हूँ। अगर आप लोग फिर भी मुझे कमेंट करोगे, बहुत सारे कमेंट करोगे, तो मैं वीडियो के इन सभी के वो रेटिंग भी करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करना कि आप लोग इसका रेटिंग देखना चाहते हो कि मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पे पोजिशन वाइज किसको रखा है। तो अगर आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर इन लोगों की एक रेटिंग वाली वीडियो लेके आऊँगी। तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को कौन सा परचेज करना चाहिए या नहीं। तो मैं उसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रेटिंग देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वाली वीडियोज़ देखी होंगी, उनमें मैंने सभी में हर किसी फ्रेग्रेंस के कॉम्बो सेट में रेटिंग दी है। तो आप लोग मुझे कमेंट करना तो मैं इसका रेटिंग वाला वीडियो जल्दी से जल्द लेके आऊँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।